वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप वर्क फ्रॉम होम आपको अच्छा लगा वो वाला वीडियो. एज प्रॉमिस्ड ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोज. तो पहले आज हम करेंगे क्वारंटाइन पे हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन. तो ये टाइम है, अच्छे से आपका स्किन का ध्यान रख लो. एक महीने में यू कैन जस्ट रिजुविनेट योर स्किन विच यू हैव मिस्ड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम एंड डिडंट गेट टाइम टू. और अगर आप फेशियल वगैरह नहीं जा पा रहे हो तो घर पे कैसे करिए. तो स्किन केयर करना जरूरी है, स्किन केयर को मिस नहीं कर सकते. तो इसके लिए आज हम करेंगे घर पे ही फेशियल. मे बी फेशियल और आप बोल सकते हो स्किन केयर. जो आपके फेशियल नहीं कर पा रहे हो उसका सब्स्टिट्यूट. तो चले. तो बिफोर स्टार्टिंग एनी स्किन केयर रूटीन हमें करना पड़ता है क्लेंस. तो मैंने अपने चेहरे को वेट कर लिया है और ये है फेस वॉश जो मैं लगा दूंगी अपने पूरे स्किन पे और अच्छे से लेदर करेंगे. आपके फिर फेस वॉश कर लेने के बाद, मैंने लेदर करने के बाद आई वॉश्ड माय फेस जस्ट नाउ. तो लोग अभी मैं देख रही हूँ मीम्स बना रहे हैं कि गर्ल्स हैविंग आईब्रोज इसलिए बाहर नहीं जा पा रहे. पागल हो क्या? हम लोग इतने गधे लगते हैं तुमको? हाँ, हम लोग के पास तुमको क्या लगता है मतलब मीम्स बनाओगे हमारे पास बाल आ जाएंगे? तुमको क्या लगता है मतलब हमारे पास ऐसे कुछ चीजें नहीं हो सकती जिसे हम घर बैठे कर ले? दो मिनट दिखाती हूँ मैं अभी आपको आईब्रोज करके दिखाऊंगी यहीं पे, दो मिनट. और ये आपको ना कभी भी आपको फिर ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं. मैं तो जाती नहीं हूँ, मेरे पैसे बच जाते हैं. तो आई शो यू हाउ टू डू दैट एज वेल एंड देन स्टार्ट विद द फेशियल. तो पार्लर घर पे ही चल जाएगा, जिंदगी भर कर सकते हो अगर आपको पसंद आए. अगर नहीं तो यू कैन जस्ट बी नॉट डू एंड गो टू पार्लर आफ्टर द क्वारंटाइन, बट क्वारंटाइन के टाइम आप कर लो. तो ये टिंकल का आपका ऐसे रेजर आ जाता है जो आईब्रोज वगैरह करने में बहुत सहायता होती है. तो आपके आपको पहले देखना पड़ेगा मिरर पे इफ यू हैव एक्स्ट्रा हेयर और कुछ आया है कि नहीं. तो लेट्स सी इफ आई गॉट सम. आई रियली डोंट गेट मच सो या, बट देखते हैं अगर है तो एक्स्ट्राज निकाल देंगे. आप कोई भी टेलकम पाउडर ले लेना क्योंकि नहीं तो ये जलेगा आपको और ये भी जलेगा. तो टेलकम पाउडर आप ले लेना. एंड तो आप ऐसे लगा लेना, ठीक है. आई डोंट हैव मच बट आई विल डू. जले नहीं इसीलिए मैंने यूज किया है, बहुत कम है मेरे, बट विल डू इट राइट अवे राइट नाउ. तो चले. मेरे हो चुके हैं. इसके बाद हम करेंगे अपना जो फेशियल स्टार्ट करने का हमने बात किया है वही करेंगे. तो पहले इसको आप रख दोगे वापस. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वी स्टार्ट विद द नॉर्मल. अगर आपको पिंपल ब्लैक हेड्स हैं तो ब्लैक हेड्स के लिए तो इजी है, बट पिंपल के लिए व्हाट आई डू आई शो इट टू यू सो दैट आपका फेशियल नॉर्मली उसी से स्टार्ट होता है. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. पहले हमने यहाँ पे ये कॉटन है जिसमें मैंने थोड़ा एप्पल साइडर लगा लिया है. तो जहां जहां पिंपल है और मार्क्स है उस पे हम ये लगाएंगे पहले. पहले ये लगा लिया, थोड़ा अजीब स्मेल करेगा, आप उसको ऐसे हवा कर दो तो वो सूख जाएगा. बहुत टाइम भी नहीं लगता, जस्ट यू नीड टू डैब इट, ठीक है. ये आप रात को भी लगा के सो सकते हो, सो डजंट मैटर. अब मेरे पास एक यहाँ पे हल्दी और बस हल्दी का पेस्ट है, हल्दी और पानी, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा पानी.
तो इसको हम इफेक्टेड एरियाज में बेसिकली जहां पे पिंपल है वहां पे लगा देंगे। फिर ऐसे करके लगा लेना है आपने पिंपल्स को, पिंपल्स पे, एंड देन यू हैव टू वेट। इसको सूखने के लिए वेट करते, उसके बाद हम आते फिर बताएंगे कि क्या करना है। जैसे कि देख सकते हो कि ये सूख गया है, तो हम फिर से एक कॉटन लेंगे। आप टिश्यू भी ले सकते हो, ठीक है, तो कॉटन या टिश्यू ले लो और उसको भिगा के रिमूव कर लेना है। सो हो गया रिमूव, ठीक है, ये अच्छे से आप रिमूव नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेट द येलोनेस स्टे लिटिल बिट, इट्स ओके, आप धो दोगे आपके स्किन। उसके बाद हम करेंगे स्क्रब लिप्स एंड फेस दोनों, ठीक है। तो हमारे पास जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको ओट्स और चावल के आटे का पेस्ट, ये थोड़ा मैंने आज लिक्विड बन गया है मेरे से, बट आप थोड़ा थिक भी बना सकते हो, तो उसी को पहले स्क्रब करेंगे। जो पिंपल्स है उसको छोड़ के आप करना है, कि नहीं तो वो फूट जाएगा। तो आप करिए, स्टार्ट करेंगे हम अपना स्क्रब स्किन पहले, ठीक है। चुके हैं, यू कैन डू इट टिल हियर, बट आई रियली डोंट हैव मच टू डू हियर, तो मैंने कर लिया है इसका। इसमें बस चावल का आटा एंड ओट्स पाउडर और पानी मिलाया है और कुछ नहीं है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, घर का ही सामान है। तो आप ऐसे करके घिस दो, एक्स्ट्रा लग गया तो लग जाने दो, कोई बात, जहाँ पे ब्लैक हेड्स है उस पर ज्यादा ध्यान दो और आपका हो जाना चाहिए, और आप इसको छोड़ दो। अब मैं सिखाऊंगी लिप स्क्रब और दोनों को एक साथ छोड़ देना है। मैंने बहुत कम चीजें लिया है, यहाँ पे ऑयल है, कॉफी पाउडर है और चीनी है, और इसको बस रफली आप ऐसे मिक्स कर लो, ठीक है, हाथ ही में, क्योंकि लिप बहुत बड़ा जगह नहीं है, तो बहुत कम जगह है, तो वो लेके आपको स्क्रब करना है अच्छे से। पे नारियल ऑयल और कॉफी और चीनी का आप जो है आप अपने होंठ पे लगा के छोड़ दीजिए। दोनों जब सूख जाएंगे फिर क्या करना है, दोनों को धो देना है, फिर धोने के बाद ही मैं आपसे सीधा मिलूंगी, ठीक है। तो आपके स्किन को क्लीन करने के बाद आपको लगाना है फेस पैक, तो आप वो चारकोल फेस पैक जो है मैंने आपको दिखाया था गुड वाइब्स का, वो भी लगा सकते हो। आपको चारकोल अगर आपको एक, क्योंकि मैंने जस्ट एक्सफोलिएट किया है तो चारकोल ब्लैक हेड्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो मैं आज यूज कर रही हूँ VLCC का ही आयुर्वेदिक मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, जो मैं अभी लगाऊंगी और उसको फिर से छोड़ दूंगी। तो हम पहले लगाएंगे ये, ठीक है। तो आप फेस पैक को लगाने के बाद उसको छोड़ दे, ये थोड़ा मोटा कंसिस्टेंसी का है, क्रीमियर है, तो इसको लगा के विल से बाय एंड विल मीट लेटर। आपके उस क्या बोलते हैं पैक के बाद, क्योंकि स्किन ड्राई होगा तो मॉइस्चराइजेशन जरूरी है, बट
मेरा स्किन ऐसे ही ड्राई है, तो मैं लगाऊंगी, यहाँ पे मेरे पास है हनी, और इसलिए लगाऊंगी क्योंकि मेरा ड्राई स्किन है एंड आई विल वॉश इट लेटर. सो ये लगा के भी मैं छोड़ दूंगी थोड़े देर के लिए, एंड वाइल बेदिंग आई विल गो टू बेदिंग, मतलब नहाने चली जाऊंगी, तब धो दूंगी. तो आप इसमें विटामिन ई कैप्सूल डाल सकते हैं, बट आई वॉन्ट, मैं सीधा ही ऐसे लगा दूंगी, आपको दिखा देती हूँ. कि आई हैव यूज्ड इट, तो ये ज्यादा देर रखना नहीं है, मे बी हाफ एन आवर और सो, हाफ एन आवर से भी कम. जैसे आप गर्म पानी गर्म करने से पहले आप ये कर लो, थोड़ी देर में आप धो दो, डन. तो उसके बाद आफ्टर यू आर क्लीन, उसके बाद क्या करना है आई विल टेल यू. सो अब के लिए मैं जाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में. सो या आई हैव टेकन अ बाथ, नाउ वॉट विल आई डू, आई हैव कम्प्लीटली एंड डन. सो या अब हम नॉर्मल रूटीन करेंगे अच्छे से स्किन को धो देने के बाद. तो देन यू टेक योर नॉर्मल सनस्क्रीन जस्ट टू मॉइस्चराइज इट. बिफोर दिस वॉट यू कैन डू इज पुट कोई मॉइस्चराइजर, मेरे पास ये मामा अर्थ का एप्पल मॉइस्चराइजर है, ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, यू कैन यूज दैट, और यू कैन ऑल्सो यूज एलोवेरा जेल, बट आई नीड अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर. सो वो मॉइस्चराइजर के साथ ही मैं मिला लूंगी अपना सनस्क्रीन, एंड दैट्स वॉट आई बेसिकली डू. हाँ, तो यही दो चीज अगर मैं अच्छे से मिला लूँ तो मेरा स्किन का काम चल जाता है, एंड दैट्स बेसिकली दैट्स बेसिकली कि आप कैसे अपने घर पे ही फेशियल वगैरह सब कर सकते हो, पार्लर घर पे ही बना के कर सकते हो, नॉट डिफिकल्ट थिंग टू डू. तो इसीलिए पार्लर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, ऑल्सो आपके वैक्सिंग घर पे आप कर सकते हो, यू नो राइट, बट मैं वैक्सिंग करती नहीं हूँ, तो नेवर नीडेड वन. तो आप वैक्सिंग वगैरह भी घर पे कर सकते हो, यू कैन सी अदर यूट्यूब वीडियोज हु हैव डन इट घर पे, सो यू कैन डू दैट. बट फेशियल तो आराम से आप घर पे कर लेना, तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आईब्रोज भी आप घर पे ही कर लेना, दोनों मैंने आपको बता दिया है. तो बाकी नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू शो यू, अगर हेयर स्पा घर पे हम कर पाएंगे तो दिखाएंगे हम आपको वो भी. और इसी के साथ ये व्लॉग वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगी, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, डू टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ, ओके बाय.